नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सहारनपुर स्मार्ट सिटी दिनांक 12/6/2024 को प्रेसिडेंट होटल स्थित घंटाघर में शांति सद्भावना मंच मेरठ हेतु एक दिवसीय कार्यशाला की बैठक हुई, जिसमें सहारनपुर शहर के सभी सम्मानित धर्म गुरु व सम्मानित लोगों और महिलाओं को बुलाकर भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए सुझाव लिए, जिसमें सभी आए हुए अतिथिगण ने अपने अपने सुझाव दिए, जिसमें मौलाना साजिद अरबी मदरसा प्रबंधक दलजीत सिंह, कौचल गुरु सभा के अध्यक्ष पंडित वरिष्ठ समाजसेवी आरिफ खान बिल अब्दुल हफीज ने कहा कि हमारा शहर भाईचारा और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। प्रोग्राम से संस्था के अध्यक्ष अनिमेश विलियम्स ने अपनी संस्था के बारे में बताया। प्रोग्राम में धर्मगुरुओं मौलाना साजिद बौद्धाचार्य चमनलाल ग्रंथी वीर सिंह कौचर और समाजसेवी आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज डॉक्टर योगेंद्र दुधैरा को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया और प्रोग्राम में आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। और कोई भी चीज दुनिया के अंदर ऊपर वाले ने बेकार नहीं बनाई। बंद घड़ी भी दिन में दो बार सही टाइम देती है, कोई आदमी बेकार नहीं है दुनिया के अंदर। शर्त यह है कि उसको यूटिलाइज करने की समाज को समझ होनी चाहिए, और समाज को अगर इस बात की समझ आ गई कि ये बच्चा इस चीज का एक्सपर्ट हो सकता है, तो वो बच्चा समाज को भी रोशन करेगा और अपने परिवार को भी करेगा। मैं अभी दिल्ली में गया था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में हमने कुछ आरटीआई डाली थी, अगर दिल्ली में जाकर अगर आप देखेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।